नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप क्या है। ठीक है, पहले तो उसने बात जब आयत की है तो हम एक आयत का सिंबल बना लेते। ठीक है, ये हमारा आयत बन गया। अब उसने कहा कि आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई दी है उसने 5 सेंटीमीटर, और दूसरा कहा है कि इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले तो उसने हमें दिया है विकर्ण, तो हम लिख लेंगे विकर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब दो चीजें हमें दी हैं और निकालना है हमें परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई का खासकर होना चाहिए योग, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का जो योग होता है उसमें हम दो का गुणा कर देते हैं तो आयत का परिमाप निकल आता है। तो हम इन दोनों की सहायता से लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें विकर्ण दिया गया है, तो क्या सूत्र होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, जब बात आयत की होती है तो उसमें यह सूत्र लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो कितने का बनता है, वह 90 का कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई और चौड़ाई है आधार और लंब। ठीक है, तो यह हमारा हो गया विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब विकर्ण हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यह एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें दिया है उसने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीजें मिल गई हैं, क्या क्या मिला, लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर मिल गया, लंबाई गुणा चौड़ाई मिल गई। अब हम अपना जो सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने a की जगह हमारी यहाँ पर लंबाई है और b की जगह चौड़ाई है, तो हमने लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर लिखा है, क्या होगा, ए स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस 2 गुणे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 25 और इसकी वैल्यू है 12, तो यहाँ पर 25 हो गया, तो यहाँ 12 × 24 हो गया, 25 और 12 दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर आया 49, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों जोड़ के कितना आ गया, 7। अब हमें जब परिमाप निकालते हैं हम आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई की वैल्यू और चौड़ाई की वैल्यू दोनों का योग कितना है, 7, तो हो जाएगा 2 × 7 और 7 × 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमें लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग ज्ञात नहीं करना था, इसलिए हमने एल प्लस बी को ही मानकर इसके बाद डायरेक्ट हमने परिमाप लगा दिया, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी निकल आई थी 7, 7 में 2 का गुणा किया, आंसर आ गया 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, विकर्ण हो और क्षेत्रफल दिया हो, तो हमें इसी मेथड से इसको लगाना है।
पहले हम इस विकर्ण की सहायता से लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायरों का योग निकालते हैं, और जो क्षेत्रफल है उससे हम लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ सॉल्व करते जाते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई हमको मिल गई। अगर ऐसे प्रश्नों में लंबाई और चौड़ाई निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पर हम एल माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और लगा देंगे, फिर हमारी लंबाई और चौड़ाई निकलेगी। लेकिन इस प्रश्न में हमें आयत का परिमाप निकालना था, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि एल प्लस बी हमको मिल गया है तो हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो हमने यहीं से सीधे 2l प्लस बी रख दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।